सीधे पेशाब कांड के बाद प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से आदिवासी युवकों को पीटने का मामला सामने आया है, जिसमें तीन आरोपियों ने दो आदिवासी भाइयों के साथ करीब 8 घंटे तक मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला इंदौर के राउत क्षेत्र का है। पीड़ित युवक धार के रहने वाले दो भाई हैं, जो इंदौर में ट्रेजर फ्रेंचाइजी में मजदूरी करते हैं। 7 जुलाई की शाम दोनों मजदूरी के बाद बाइक पर सवार होकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी, जिसके चलते इनकी बाइक गिर गई। वहां मौजूद गार्ड सुमित चौधरी ने बाइक हटाने को कहा। इस दौरान दोनों भाइयों का गार्ड के अलावा वहां मौजूद जयपाल सिंह बघेल और प्रेम सिंह परमार से विवाद हो गया। विवाद के चलते गार्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों को गार्ड रूम में बंधक बना लिया। तीनों ने मिलकर आदिवासी भाइयों को बेरहमी से पीटा। वहीं इस घटना को लेकर DCP आदित्य मिश्रा ने कहा कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। मुख्य आरोपी सुमित चौधरी समेत उसके दोनों साथी जयपाल और प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।